मैं हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर श्री विवेक फंसलकर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे लगता है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे सीपी साहब ने किस तरीके से एक इतना बड़ा काम किया, जो कि बहुत सराहनीय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने पिछले 6-8 महीने कोशिश करके इलेक्शन कमीशन के साथ डायलॉग्स अपने बनाए और कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से पुलिस वाले जो है वो भी वोट कर पाए। होता क्या है कि जिस दिन इलेक्शन होता है पुलिस की सारी फोर्स सड़कों पे होती है और वो वोट नहीं कर पाती है, उनके फैमिली मेंबर्स भी वोट नहीं कर पाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के साथ कोशिश करने के बाद, बातें करने के बाद एक सिस्टम बनाया गया और 3 दिन मुकर्रर किए गए। और आप ये जानकर खुश होंगे कि मुंबई में जितने भी पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स हैं जो पुलिस में काम करते हैं, हमारे पुलिस के एक ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए 3 दिन मुकर्रर किया गया, 15, 16 और 17 मई, और उन्होंने जाके वोट किया। बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो मुंबई के बाहर के हैं तो उनको भी फैसिलिटी दी गई मुंबई में वोट करने की। ये दिखाता है कि जज्बा इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा है और कितना सीरियस है कि उन्होंने इस बात को मानकर उस चीज को आगे ले गए और पुलिस कांस्टेबल, पुलिसकर्मी जो हैं उन्होंने इस बार वोट किया। मैं बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पुलिसकर्मी जो हैं जो सड़कों पे होते हैं, जो पूरा मैनेज करते हैं इलेक्शन को, उन्होंने भी इस बार वोट किया। इसे कहते हैं नया भारत, इसे कहते हैं न्यू इंडिया, इसे कहते हैं नेशन फर्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक फंसलकर साहब। मुझे लगता है कि पूरी मीडिया को इस पूरे उपलब्धि का, हमारे पुलिस कमिश्नर विवेक जी का जो उपलब्धि है, इसको सराहना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए अपने पेपर के द्वारा या अपने न्यूज चैनल्स के द्वारा कि ये बाकी शहरों में भी हो सकता है और बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है, इनफैक्ट पूरे देश में हो सकता है। इनफैक्ट ये जो शुरू हो गया है, ये पहल जो शुरू हुई है विवेक फंसलकर जी की वजह से और इलेक्शन कमीशन की वजह से, ये कानून बन जाना चाहिए, रूल बन जाना चाहिए कि पूरे कंट्री में जो जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए इलेक्शन के डेट के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले वो जाके वोट कर सकते हैं। इसे कहते हैं नया भारत, इसे कहते हैं नेशन फर्स्ट और इसे कहते हैं हमारी ग्रेट कंट्री। भारत माता की जय। जय हिंद।